उत्तरे शंसभासाद्या चित्रामहेश्वरी चित्रोत्परेति कथिता सर्व पाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा, चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 21वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सूखा नदी एवं महानदी के संगम पर स्थित शक्ति लहरी मंदिर का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम आरंग में स्थित भांड देउल मंदिर का अवलोकन करेंगे, तो आइए आरंभ करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में रायपुर से 40 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है आरंग, जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। आरंग महानदी के पश्चिमी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां हमें मिलते हैं अनेक प्राचीन मंदिरों के अवशेष एवं प्रस्तर प्रतिमाएं। कहते हैं कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से परीक्षा ली थी। राजा मोरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र का मांस दान करने के लिए उसे आरी से काटा था, जिस कारण इस स्थान का नाम आरंग पड़ा। कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ हर घर एक मंदिर हुआ करता था, परंतु वर्तमान में कुछ ही मंदिर शेष हैं। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय मंदिर है भांड देउल मंदिर। यह मंदिर लगभग भग्नावस्था में है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। मंदिर के मुख मंडप, मंडप एवं अंतराल आदि भाग नष्ट हो चुके हैं। केवल गर्भगृह एवं शिखर के भाग लगभग सुरक्षित अवस्था में हैं। शिल्प की दृष्टि से यह अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हयवंशी शासकों द्वारा करवाया गया था। पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर का पश्च भाग 3 फुट 11 इंच ऊंची जगती पर निर्मित हैं, जिनमें अधिष्ठान, जंघा, शिखर, आमलक, कलश इत्यादि भाग सम्मिलित हैं। मंदिर पंचरथ शैली में निर्मित है। कालांतर में मंदिर के ध्वस्त हो जाने एवं पुरातत्व विभाग के संरक्षण के उपरांत पश्च भाग अलंकरणहीन है। मंदिर का अधिष्ठान भाग नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः लतावल्लरियों, गजपंक्ति, अश्वपंक्ति एवं वादक पंक्तियों से सुसज्जित है। वादकों की पंक्ति के ऊपर हंसावली है। पंचरथ स्वरूप में निर्मित इस मंदिर के जंघा भाग में मध्यरथ एवं अंतराल के निकट रथ में अनेक देवकुलिकाएँ निर्मित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जैन देवी देवताओं का अंकन है। मंदिर के अनुरथ एवं कर्णरथ में निर्मित देवकुलिकाओं में आलिंगनबद्ध प्रतिमाएं एवं मिथुन दृश्यों का भरपूर अंकन है। मंदिर के शिखर भाग अनेक उरुश्रृंगों से मिलकर बना है। मंदिर के जंघा पर जटित प्रतिमाएं आकर्षक, कलापूर्ण एवं कामुक मुद्राओं से परिपूरित हैं। नग्न कामुक प्रतिमाओं के अतिरिक्त संगीत एवं नृत्य के कुछ दृश्य भी यहाँ उत्तीर्णित हैं। अधिष्ठान से लेकर शीर्ष तक मंदिर का प्रत्येक भाग अत्यंत सुंदर कलात्मक शिल्पांकन से परिपूरित है। मध्यरथ, जिसे राहा पग भी कहा जाता है, यहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के साथ जैन यक्ष यक्षिणियों का भी अंकन है। भले ही मंदिर की प्रतिमाएं नग्न एवं कामुक भावनाओं से परिपूर्ण हैं, तथापि इनकी सुंदरता चित्त को सम्मोहित कर देती है। मंदिर का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका है, तथापि जो भी भाग शेष है वह प्रत्येक कोण से आकर्षक है। यह मंदिर के जंघा का पश्च दृश्य है। मंदिर के अधिष्ठान से लेकर जंघा की भाग तक का यह मंदिर के नैऋत्य कोण का दृश्य है, जिसमें हम अत्यंत कलात्मक प्रतिमाएं देख सकते हैं। संपूर्ण मंदिर इसी प्रकार की मिथुन प्रतिमाओं, जैन तीर्थंकरों,
एवं यक्ष यक्षिणियों सहित अन्य कलाकृतियों से विभूषित है। मंदिर का पश्च भाग 3 फुट 11 इंच ऊंची जगती पर बना है, जबकि मंडप भाग अपेक्षाकृत अधिक ऊंची जगती पर निर्मित था। मंदिर के समक्ष 22x17 फुट की जगती निर्मित है। मंदिर का समक्ष भाग संरक्षण के उपरांत अलंकरणहीन हो गया है, जिसमें लोहे की पट्टियां लगा दी गई हैं, जिससे मंदिर और अधिक ध्वस्त न हो। प्रवेश द्वार के आधार पर गज पंक्तियां देख सकते हैं। मंदिर के चतुर्कोण पर उरु शिखरों की 3-3 पंक्तियां हैं एवं जंघा के भाग में अन्य प्रतिमाएं अवस्थित हैं। बाहर इन प्रतिमाओं के अवलोकन के उपरांत अब आइए प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। मंदिर के गर्भगृह में क्लोराइट शिष्ट से निर्मित जैन तीर्थंकरों की 3 प्रतिमाएं कायोत्सर्ग मुद्रा में अवस्थित हैं। कुछ विद्वानों ने इन प्रतिमाओं को अजितनाथ, नेमिनाथ एवं श्रेयांशनाथ की प्रतिमाएं माना है। कुछ विद्वान मध्य की प्रतिमा को शांतिनाथ की प्रतिमा कहते हैं। अतः ये प्रतिमाएं किन तीर्थंकरों की हैं, इनके विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार आज के इस चलचित्र में हमने आरंग में स्थित भांड देउल मंदिर का अवलोकन किया। आगामी चलचित्र में हम आरंग में ही स्थित एक और प्राचीन मंदिर, जिसे बाघ देउल मंदिर कहा जाता है, इनका दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।